जय श्री राम भक्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है, भगवान श्री राम का नव निर्मित मंदिर 22 जनवरी को श्री अयोध्या जी में सभी भक्तों के लिए खुलने जा रहा है। उस मंदिर में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप विग्रह को स्थापित किया जा रहा है। आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान श्री राम के जीवन को रामायण नामक ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। आज यह सुअवसर हमें पुनः प्राप्त हुआ है कि भगवान श्री राम के जीवन को हम आपको सुना पाएं। इसलिए हमने आप सभी के लिए भगवान श्री राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की रामायण को आप सभी को श्रवण करवाने के लिए हम पॉडकास्ट द्वारा आप सभी को प्रतिदिन राम मंदिर के अंदर भगवान श्री राम के स्थापना तक अवश्य श्रवण करवाएंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। हम भगवान श्री राम के जीवन अर्थात रामायण को 11 खंडों में हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे। आप उन सभी को बारी बारी से देख करके भगवान श्री राम के गुणगान में आनंद से उनकी रामायण को श्रवण कर सकते हैं। आज हम भगवान श्री राम के जन्म की कथा सुनाएंगे। कौशल नरेश महाराज दशरथ महाराज अज और महारानी इंदुमती के पुत्र थे। महाराज दशरथ ने महारानी कौशल्या, सुमित्रा और महारानी केकई से विवाह किया था, किंतु कई वर्षों के पश्चात भी उन्हें उनसे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। महाराज दशरथ हर क्षेत्र में अति बलवान और अपने कुल ही की भांति बहुत विद्वान और महान थे। अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए महाराज दशरथ ने महायज्ञ का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चार पुत्र रत्न प्राप्त हुए। इनमें भगवान श्री राम भगवान नारायण महाविष्णु के अवतार हैं और लक्ष्मण जी विष्णु भगवान की शैया अर्थात शेषनाग के रूप में हैं और वह लक्ष्मण रूप में अवतरित हुए हैं। इसी प्रकार भरत जी पंचजन्य शंख के अवतार हैं और शत्रुघ्न जी सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। अपने माता पिता के प्रेम से और शिक्षा से चारों भाई बड़े ही सरलता से प्रेम से बड़े होते हैं। भगवान श्री राम के बचपन की एक लीला जो उन्होंने काकभुशुंडी जी के साथ की थी, वह अति अद्भुत है। इसमें भगवान ने बाल्यावस्था में काक अर्थात काकभुशुंडी जी के बाल लीलाएं की थी। जब श्री राम कुछ बड़े हुए तब उन्हें गुरुकुल के लिए महर्षि वशिष्ठ के पास में भेज दिया गया था, जहाँ उन्होंने मौलिक शिक्षाएं और वेद उपनिषद आदि की तथा क्षत्रिय कुल अनुकूल योग्य शिक्षा भी ग्रहण की। भगवान श्री राम अपने भाइयों सहित शिक्षा पूर्ण कर अपने घर अर्थात अयोध्या जी में पुनः लौट जाते हैं और पुनः अपने परिवार के साथ गुल मिलकर बड़ी ही प्रसन्नता से रहने लगते हैं। कुछ वर्षों बाद राज ऋषि विश्वामित्र जी अयोध्या जी में पधारते हैं। महाराज दशरथ और उनकी पत्नियां और पुत्र सभी उनका स्वागत करते हैं। राज ऋषि विश्वामित्र जी पूर्व में एक महान राजा थे, जिन्होंने ऋषि बनना स्वीकार किया और अपना राज त्याग दिया, इसीलिए उन्हें राजर्षि कहा जाता है। वे अपने साथियों सहित यज्ञ कर रहे थे, जहां उन्हें कई राक्षसियों और राक्षसों द्वारा प्रताड़ित किया गया और उन्हें यज्ञ पूर्ण करने में बाधा उत्पन्न हुई, जिसके लिए वे अयोध्या आए और महाराज दशरथ से उनके पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने के लिए और उन दुष्टों का राक्षसों का नाश कर शांति स्थापित के लिए आग्रह किया। इस पर महाराज दशरथ ने दोनों भाइयों को ऋषि विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। जब वे यज्ञ स्थान से कुछ ही दूरी पर थे, एक मायावी राक्षसी जिसका नाम ताड़का था, वह उनके सामने आ प्रकट हुई। ऋषि विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम और लक्ष्मण ने अपने बाणों का संधान किया और बड़ी राक्षसी ताड़का का वध किया। आज की कथा को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का कोटिशह धन्यवाद। आगे की कथा हम आपको कल श्रवण करवाएंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहें। जय श्री राम।